हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिम्रांतस्य ज्ञानांजनश्लाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति वत्सौगतांकितं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभासदि गौरभक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, मैं रोज जो भगवद गीता के कुछ श्लोक और उस पे कुछ देर तक प्रवचन आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, मेरा एक ही हेतु होता है, मेरा एक ही अर्थ होता है, मेरा एक ही मकसद होता है, मेरा एक ही एम होता है। और ये होता है कि जो वास्तविक जीवन की समस्या है उसका समाधान निकले। और उसका समाधान हम ढूंढने का प्रयास ही नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 1,00,000 रुपए का नुकसान होने वाला हो और फिर उसी आदमी का 500 रुपए का नुकसान होने वाला हो तो किस नुकसान से बचने की कोशिश करेगा, 1,00,000 रुपए वाले या 500 रुपए वाले? अवश्य वो 1,00,000 के नुकसान से बचने की कोशिश करेगा। क्योंकि 500 रुपए का तो छोटा सा नुकसान है, 1,00,000 रुपए के सामने कुछ भी नहीं है। अगर 1,00,000 रुपए को बचाने के लिए 500 रुपए चले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 500 रुपए को बचाने के लिए 1,00,000 रुपए चले जाए तो बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे ही हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब कोशिश कर रहे हैं उस 500 रुपए को बचाने का, और उस चक्कर में हमारा 1,00,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। हम सब कोशिश करते हैं कि शरीर के सुख ज्यादा से ज्यादा हमको मिले, शरीर के सुख की परिभाषा क्या है? शरीर के सुख की परिभाषा संसार के साधन ज्यादा से ज्यादा हमारे पास हो। छोटी गाड़ी आती है तो सोचते बड़ी गाड़ी कैसे आए, और उस बड़ी गाड़ी को प्राप्त करने के लिए हम बहुत बड़ा स्ट्रगल करते हैं। किराए का घर होता है तो सोचते अपना घर कैसे आए, और वो अपना घर प्राप्त करने के लिए हम बहुत बड़ा स्ट्रगल करते हैं।
50,000 रुपये कमाते तो सोचते 5 लाख कैसे कमाए, और वो 5 लाख कमाने के लिए बड़ा स्ट्रगल करते हैं। हमको कोई नहीं जानता है तो हमारी इच्छा होती है हमको सब जाने, और वो सब जानने के चक्कर में हमें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। नेम, फेम, प्रॉपर्टी, पैसा, मैं ये मानता हूँ कि ये सब चाहिए, हाँ कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए? तो मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो लॉकडाउन के अंदर मेरी रियलाइजेशन आपसे शेयर करता हूँ कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस कोरोना की बीमारी में चपेट में आए, और उनमें बहुत सारे लोग शमशान की ओर चले गए, मर गए। और कोरोना ही नहीं, लोग कई बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और मर जाते हैं। कोरोना की बीमारी से बहुत सारी बीमारी को छोड़ो, अभी एक्सीडेंट हो गया हवाई जहाज का, केरला में, और उसमें कुछ लोग मर गए। तो अभी तक हम जिंदा हैं, और अभी तक जिंदा है मतलब हमें मोहलत मिली हुई है। क्या करने की मोहलत मिली है मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये छोटी सी कहानी सुनो। एक देश का राजा, एक देश का राजा एक जेल का इंस्पेक्शन अर्थात निरीक्षण करने गया, जेल का निरीक्षण करने गया, जेल का इंस्पेक्शन करने गया, और उस जेल के जेलर ने सारे कैदियों को बुलाया। राजा ने कहा, मैं इन सारे कैदियों से मिलना चाहता हूँ, सारे बंदियों से मिलना चाहता हूँ। सारे कैदियों को बुलाया गया और सब कैदी आके राजा से मिलने लगे। तब एक कैदी ने राजा से कहा, राजा जेल में हमें खाना ठीक नहीं मिलता है, आप कुछ इसका प्रबंध कराइए ना कि अच्छा सा खाना मिले हमें कुछ। राजा था, तुरंत ऑर्डर दे दिया जेल का खाने का मेन्यू चेंज किया जाए और इनको अच्छा कैदियों को खाना दिया जाए, भोजन दिया जाए। सबों ने तालियां बजाई, वाह राजा वाह। एक कैदी ने बोला, राजा जेल में शौचालय, टॉयलेट, बाथरूम कम है, कुछ बढ़वा दो, हमें तकलीफ होती है। राजा ने तुरंत आज्ञा दी और कहा इनको कुछ बाथरूम और बढ़वा दिया जाए। सबों ने तालियां बजाई। एक कैदी आया, बोला महाराज हमें जेल में कभी कभी ऐसी बहुत बोरिंग होती है, कोई टीवी का बंदोबस्त हो जाए तो हम थोड़ा कभी देख लिया करें। राजा ने तुरंत आज्ञा दी कि इनको टीवी लगवा दिया जाए, कभी कभी ये देखे। ऐसे किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, वो तो राजा था, सबके लिए ऑर्डर देते गया। ऐसे में एक कैदी आया और राजा से कहा, महाराज आपने सबकी बातें सुनी, सबकी मांगे पूरी की, अब मेरी भी एक मांग है। राजा ने कहा, बोलो बोलो क्या मांग है। अब उस कैदी ने जो कहा वो सुनो, उस बंदी ने जो कहा वो सुनो। उस कैदी ने कहा, महाराज आप तो राजा हैं, आप मालिक हैं,
आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मेरी मांग ये है कि मुझे इस जेल से मुक्त कर दो, मैं जेल से मुक्त होना चाहता हूँ। और आप राजा हो, आप एक आज्ञा करोगे, मैं इस जेल से मुक्त हो जाऊँगा। मैं एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ, आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आप मुझे यहाँ से मुक्त कर दो। और राजा ने देखा कि ये मेरी शरण में आना चाहता है। राजा ने तुरंत आज्ञा दी, इसे जेल से मुक्त कर दिया जाए। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, ये संसार भी एक बहुत बड़ा जेल है। यहाँ सब बंदी है। हमें यहाँ सुविधा चाहिए, हमें यहाँ से मुक्ति नहीं चाहिए। सब लोग संसार में सुविधा चाहते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि मैं संसार से छूट जाऊं ताकि फिर से कभी यहाँ ना आऊं। हमारे ठाकुर बांके बिहारी लाल राधा वृंदावन चंद्र राजा हैं, कृष्ण परमेश्वर हैं, वो राजाओं का राजा है। अगर हम कृष्ण की शरण में जाते हैं और कृष्ण कैसे, प्रभु आपने मुझको सब कुछ दिया है, अब एक कृपा करो, मुझे यहाँ से उद्धार कर दो मेरा। मैं अब इस संसार की जेल में वापस नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ हर एक आदमी चाहता तो है उसकी मर्जी हो, लेकिन उसकी मर्जी नहीं चलती है। चाहता है कि उसकी मर्जी से हो कुछ, लेकिन उसकी मर्जी चलती कहाँ है? सोचो, जिनके आज बाल सफ़ेद हो गए हैं, क्या उनकी मर्जी थी कि उनके बाल सफ़ेद हो जाएं? जिनके आज दांत गिर गए हैं, क्या उनकी मर्जी थी कि उनके दांत गिर जाएं? जिनकी आज आंखें कमज़ोर हो गई है, क्या उनकी मर्जी थी कि आंखें कमज़ोर हो जाएं? जो आज कान से सुन नहीं पा रहे, क्या उनकी मर्जी थी कि उनके कान से ना सुन पाए? जो आज बीमार हो गए, क्या उनकी मर्जी थी कि वो बीमार हो जाए? जो आज बूढ़े हो गए, क्या उनकी मर्जी थी कि वो बूढ़े हो जाए? और जो आज मर रहे हैं, क्या उनकी मर्जी है कि वो मरे? मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, इस संसार में हम अपनी मर्जी चलाना तो चाहते हैं, लेकिन चलती नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि इस संसार की जेल से हम छूटने की कोशिश करें। और हमारे ठाकुर तो हमें एक मौका दे रहे हैं यहाँ से छूटने का। कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान प्रत्याजय मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, मोक्षयिष्यामि मा शुच, मोक्षयिष्यामि मा शुच, मोक्षयिष्यामि मा शुच। अरे तुम मत डरो, मा शुच मत डरो, अभय वरदान दे दिया पहले से। माँ सुचा मत डरो, तुम आ जाओ मेरी शरण। तुम जहाँ हो, जिस जगह हो, जिस आस्था पे हो, जिस मत पे हो, छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। तुम जिसकी भी मानते हो उसको छोड़ दो और मन मना भवमत भक्तो, मेरी मानो और मेरे भक्त बन जाओ। और याद रखना, मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, मनुष्य शरीर में आकर यदि कृष्ण भजन नहीं गाया तो मनुष्य शरीर व्यर्थ में गंवा दिया। शास्त्रों में कहा है, गोविंद के गुण नहीं गाए तो क्या किया। जिनके हृदय प्रभु नाम बसे, किन और का नाम लियो ना लियो, कोई मतलब ही नहीं। जिनके हृदय कृष्ण नाम है, फिर वो किसी और का नाम ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कृष्ण से ही हमें मोक्ष मिलने वाला है। मैं आपको बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ, कृष्ण नाम ही हमें मोक्ष देगा।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता मोक्ष का शास्त्र है, भगवद गीता मुक्ति का शास्त्र है, भगवद गीता शक्ति का शास्त्र है, भगवद गीता प्रेम का शास्त्र है, भगवद गीता आस्था का शास्त्र है, भगवद गीता हिम्मत का शास्त्र है, भगवद गीता उत्साह का शास्त्र है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, जब कृष्ण के ये शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, मां सुचः, ऐसा लगता है ये एक अभय पद का वरदान है। कृष्ण कहते हैं मत डरो, मैं हूं, सर्वधर्मान प्रत्याजे, तुम आ जाओ मेरी शरण में, अहं त्वां सर्व पापे भयो, अरे तुम कैसे भी हो मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो। तभी तो कहा अहं त्वां सर्व पापे भयो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा इमीडिएटली, तुम मात्र मेरी शरण लो। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस संसार की जेल से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, इस जगतपति कृष्ण की शरण लो। एक तो समय नहीं होता ज़्यादा बात करने का, क्योंकि सामने आप होते नहीं हो, मेरे सामने कैमरा होता है और कैमरे के सामने मुझे इतनी आदत नहीं है बात करने की। ये तो मेरा परिवार जब सामने होता है तो बात से बात निकलती चली जाती है, लेकिन ये सोचता हूँ कि जो 15-20 मिनट हरि कृपा से मिलते हैं उसमें मैं आपको टू द पॉइंट लेके जाऊँ, सीधी बात। वो एक सुना है ना, सीधी बात नो बकवास, तो सीधी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कृष्ण शरणागति हो जाना, इस संसार की जेल से मुक्त होना। हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या जन्म जरा मौत और व्याधि। हमारी समस्या है इस संसार में फिर से जन्म लेना। हमारी समस्या है बूढ़ा हो जाना। हमारी समस्या बीमार हो जाना। और हमारी समस्या मर जाना। इस समस्या से कौन बचा सकता है? पेट्रोल महंगा हो गया, चलो गवर्नमेंट समस्या समाधान कर देगी। नोटबंदी हो गई, चलो गवर्नमेंट समस्या का समाधान कर देगी। अनाज महंगा हो गया, चलो गवर्नमेंट समस्या का समाधान कर देगी। कोई और बाढ़ आ गई, चलो गवर्नमेंट समस्या का समाधान कर देगी। सूखा पड़ गया, चलो गवर्नमेंट समस्या का समाधान कर देगी। कोरोना आ गया, चलो सरकार समस्या का समाधान कर देगी। लेकिन जन्म जरा मौत और व्याधि का समाधान कौन करे? ये तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती। चाहे अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, जर्मन चले जाओ, जापान चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बर्थ, डिसीज, ओल्ड एज एंड डेथ, ये हर जगह है। अमेरिका में भी लोग मरते हैं। कल ही राष्ट्रपति के भाई छोटे मर गए अमेरिका के। तो मृत्यु सबको आती है, चाहे वो फिर किसी भी बड़ी पदवी पे हो। तो हमको ये देखना है कि फिर मृत्यु के बाद क्या। मृत्यु के पहले तो चलो चाचा भी है, मामा भी है, नाना भी है, नानी भी है, मामा भी है, मौसा भी है, मौसी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, भाई भी है, पति भी है, पत्नी भी, ये तो सब मृत्यु से पहले है ना, ये सब मृत्यु से पहले हैं। लेकिन मृत्यु के बाद कोई एक ऐसा साथी ढूंढ लो जो आपको कभी ना छोड़े, और वो है हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो है कृष्ण नाम। नाम जपने वाला कभी अकेला नहीं हो सकता, याद रखना। जिस व्यक्ति ने भी हरि नाम लिया है, जिस व्यक्ति ने भी हरि नाम जपा, जिस व्यक्ति ने भी कृष्ण नाम लिया, राम नाम लिया, वो कभी अकेला हो ही नहीं सकता। मेरे प्रभु का जिसने भी नाम लिया,
वो कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि नाम और नामी दोनों में कोई फर्क नहीं। कृष्ण का नाम कृष्ण से अलग नहीं हो सकता मेरी माताओं बहनों मित्रों। और जब कृष्ण की आज्ञा है तो फिर हम और किसकी आज्ञा का पालन करेंगे? एक आपको बात बताऊं, नगर सेवक की आज्ञा उस नगर उस विस्तार के लोग मानते हैं, फिर नगर सेवक को मेयर की आज्ञा माननी पड़ती है, फिर उसके बाद मिनिस्टर की आज्ञा होती है, फिर मिनिस्टर के बाद चीफ मिनिस्टर की आज्ञा होती है, चीफ मिनिस्टर के बाद प्रधानमंत्री की आज्ञा होती है, उसके बाद फाइनली राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं है ना। तो ये तो कृष्ण जगतपति है, कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपति, ये जगतपति की आज्ञा है मेरी शरण आ जाओ। तो जब राष्ट्रपति की आज्ञा हो तो राष्ट्रपति की आज्ञा के सामने या प्रधानमंत्री की आज्ञा के सामने नगर सेवक की आज्ञा तो नहीं चलती है ना। ऐसे ही जो भी हमें आज्ञा दे रहा है इस संसार में, उससे सर्वश्रेष्ठ आज्ञा कृष्ण की है, और कृष्ण की आज्ञा सर्वधर्मान प्रत्याजे माम एकम शरण भज अहंग तो अंग सर्व पापे भयो मुक्ष्यामि मा सुचे, इमीडिएटली मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण आ जाओ। ये भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। तो इतना एक अभय पद का मौका मिल रहा है। हाँ, कोई गवर्नमेंट स्कीम निकालती है ना जिसमें बहुत कंसेशन होती है तो सब फायदा लेते हैं ना, तो ये भगवान की स्कीम है, तुम मेरी शरण आ जाओ मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो कृष्ण को अपना आराध्य, कृष्ण परमेश्वर ये मानते हुए, कृष्ण भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलौकिक माहेश्वरम ये मानते हुए उनके शरण चले जाओ और भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका जन्म सफल हो जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मुझे एक बहुत खुशी होती जब आप सत्संग के प्रति इतना प्रेम करते हो, आप अपने कॉमेंट्स देते हो, शेयर करते हो उस हरी कथा को। मुझे बहुत खुशी होती कि मुझे पता चला कि अमेरिका में मेरा एक बहुत प्यारा रहता है रोहित, वो कहता मैं रोज़ जागता हूँ, इस समय अमेरिका में लगभग 1 बज रहा होगा, लगभग क्या टाइम हो रहा है अमेरिका में इस समय, रात का 1:30 बजा है। वो कहता मैं रोज़ जागता हूँ, मुझे जागना पड़ता है, मुझे खुशी होती है कि मैं लाइव सुनता हूँ। और बोला बापू सुन के मैं सोता हूँ डेली, बोला मैं 1 बजे तक जागता हूँ, फिर अभी 1:30 बज रहे हैं अमेरिका में रात के, और अभी वो सोएगा ये कृष्ण कथा सुन के। तो ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं लेकिन फिर भी अपने धर्म अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, संतों से सत्संग से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोग पे कितने कृष्ण खुश होते होंगे। आप लोग भी ऐसे उत्साह के साथ उमंग के साथ हरी कथा से जुड़े रहो। और अभिषेक वो ये देख रहा होगा, और मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं दुआ करता हूँ आप सबों के लिए और उसके लिए भी। आप सबों को भगवान सुरक्षित रखे, खुश रखे। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और कृष्ण का ध्यान कीजिए। समझ आई बात? अपना ध्यान रखिए और कृष्ण का ध्यान कीजिए, आपका जन्म सफल हो जाएगा। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।